प्रश्न सुनाए। कभी कहीं पर कोई तो आके बतलाए, बिरानवे से आया हूँ राजा तेरी नगरी, रोटी की जुगत में हूँ कोई दे तो नौकरी। राजा महिपाल के दरबार में हरिया नाम का गड़ेरिया पहुंचल अपन परिचय बताओ तो के करे। पंचायत पूछे मंत्री जी मैं बड़ी बधे रहूं, हरिया है मेरा नाम जात काट रहे रहूं। बात कितने से आप लोगों ने समझ ला, मगध देश का राजा जो राजा का नाम महिपाल बतावल गए, राजा महिपाल के राजताज से उनके कार क्षेत्र से तना उनके प्रजा खुश बा। आए दिन राजा की के उम्र की दुआ भगवान से लोग मांगे कि हे मालिक हमन के राजा के हमनियों को उम्र दे दे। राजा का आए दिन एक ही प्रश्न हुआ करता था, हमारे राज में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसे किसी प्रकार का कोई दुख हो। एक स्वर में सबका हाथ टूटता था, नहीं राजा नहीं, सभी लोग बड़े सकुशल हैं। सब रवक बात है राजा का, वह पुरनका प्रश्न रहल। पीछे से एक इंसान हाथ उठा लस कल की, साहब मुझे बहुत दुख है। सिपाही कुल धो के राजा के सामने कनक तकलीफिया कहा, बाबू बताओ लगा राजा मैं दूसरे राज से प्रताड़ित किया हुआ व्यक्ति भगाया हुआ हूँ, आपके नाम की चर्चा सुनकर के आपके राज में आया शरण लेने के लिए, सोच रहा हूँ कहीं अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। मंत्री जी पूछे लगने बाबू तुम्हारा नाम का कलक ये सरकार हमार माई बाबू हमार नाम हरिया रखलन। हरिया हरिया कलक तू कौन बिरादर होगा, कल हम जात को गड़े रही। कलक राजा पूछ बैठल की हमारी राज में तू रहा करवा का। कल साहब हमार खानदानी धंधा भेड़ बकरी चरावल, आपके राज में रह के आपके भेड़ बकरी चराई, ड्यूटी लाग गई दो चार दिन दस दिन बीतल जंगल में, आए दिन भेड़ बकरी लेके जा। एक दिन दिमाग में बात आई करे बाप रे बाप, अपन आग्रह कहिए पर राजा करी बड़ी हमके जिम्मेदारी दे दे, जंगल में कोनो जानवर अगर हमके फाड़ के खा जाए तो राजा के साथ गद्दारी हो जाए, उनकर भेड़ बकरी भी ला जाए। सोचलस करी का धरती के सबसे सस्ता देवता भगवान त्रिलोकीनाथ भोले बाबा, राजा वाले ओ जंगल में लगल भगवान शंकर का पूजा कर। धीरे धीरे समय मजे के बीत गई। एक दिन भगवान शंकर 72 जिलों राजा मरले हों, अब मार के भांग धतुर पुतले। आज जब उनके ख्याल आ के बाप रे बाप मृत लोक में मेरा कोई भक्त काफी दिनों से इंतजार कर रहा है, तो चलकर आज ही उसकी परिचय जान लूं क्या तकलीफ है। आज जब जंगल में राजा भगवान शंकर अलन गड़ेरिया देखलस, रोवे लगल राजा भगवान शंकर कहने बेटा रोवा मत, दिक्कत क्या है। भगवान शंकर पूछला का स्वर्ग राम दोस्ताद वाले गीत लग गई। स्वर्ग राम दोस्ताद गावा कि हमारे बलमी रात को नयाईला, एक लाइन आउट है कि धोती धूमिल रहे अरे कुर्ता नहीं ले रहे तोहार किरे मोर राजा मेहनत के लिए काम ना हो उतना दूर रहा उतना कोमल हो जाए। तब भगवान शंकर हरिया गड़ेरिया से कहला कहला का अरे बोला ये बचवा, हाँ हाँ बोला ये बचवा कवने कारण
पूछला कि आखिर इतना दिन से हमार पूजा करता था काहे बोलावला। तब हरिया गणेरिया कहलस कि लागे जंगलवा में हमारा के डर हो अपनावा प्यारा जईदा फलर हमार हो। भगवान शंकर समझ गए गरीब भावना के कैले का डमरू बजा के एवं मस्त बोले भोला बुलाए बचवा कोने कारण बोलोला एवं मस्त भगवान त्रिलोकीनाथ बोले अमर फल आई गल अमर फल थैली में धैल गणेरिया लेके राज के ओ चलल सोचा था कि अमर फलवा के खाई कि न खाई खाई कि न खाई। बाबू हो शाम हो गई शाम से रात हो गई सवेर हो गए। हरिया गणेरिया सोच गल के रे बाप रे बाप जौने राजा खातिर हम ए राज के प्रजा आए दिन भगवान से उनके उम्र का दुआ मांगे ले अमर फलवा हम न खा के राजा के दे दे हमेशा खातिर अमर हो जाइए। राजा राज अपने राज सिंहासन पर विराजमान हो पहुंचल अमर फल लेके कहलस ए राजा लाए के लेकिन कहलक के तरह एक लाइन गीत लग गई अमर फल निकाल के राजा के सामने रख दे। राजा कहले पौला कहा तब कहल कि 12 साल तपस्या कहली बात के 12 साल पूजली तब अमर फल पौली। अरे 12 साल तपस्या कहली पात ले मानी अमर फल हमके भोले दानी। की खाले अमर किरिति रही अब तुहा चुप चाहनवा कहनवा माना कहनवा कि ए राजा ये अमर फलवा आप ले लाए के आप खाला आजीवन अमर हो जाइबा ई राज ताज आपको ऐसे ही बरकरार रही। राजा सोचने पर मजबूर हो गए रे बाप रे बाप मेरे राज का एक अदना गणेरिया जिंदगी और मौत का फैसला करने की दवा पाता है तो मेरे पास लेके आता है। राजा सोचो तुम कि आखिर के खाई कि न खाई प्रमाण मिला बाबू की राजा के तीन मेहरारू। आज राजा का भाजा मास्टर छुटकी हो रहा है। अरे वाह रात के घड़ी जब 11:30 बजे राजा खा नहा के एकदम टाइट हो के अब उमर फल सदरी में धर के लेके छुटकी रानी के रूम में पहुंचल हूँ। आज जब रानी के रूम में पहुंचल तब पहुंच के रानी के बड़ा चुचकार के सुराय के बैठावत हो बैठा के वो बात राजा कने गीत लग गई चढ़ानी जवानी मारी हरे माटी
छोटकी रानी के थमावत हुआ आ थमहाई के कहलन का कहल मास्टर कि रानी के राजा अमर फलावा थमावे ला बतावे ला अरे बतावे ला कि राजा पात के मराम समझावे ला राजा कहलो कि हमरे तीन रानी में सबसे ज्यादा पढ़ल लिखल जिम्मेदार तुम हो ला ये हमर अमर फल खाला ऐसे ही तू रहू हमेशा तोहार जिंदगी जवानी बनल रही हमरा ना रहला के बाद भी तू ये राज ताज के संभाल लेबू। एक बात राजा आओ कहलो कहलो का कि खाला ये अमर फलवा करी हजुग जुग सस्ता ना लगनी हमर फल लेके के खाई कि ना खाई सोच ही में राजा तनी ढेर राति के ले ले वो सूत गए ना पहले बाबा रानी जगत बयान कर देली ज्यादा पानी भीतर रह गई जय राजा रानी राजा सवेरे उठला अपन नहा धो के राज दरबार के ठीक फटे और पहुंचलन रानी हमर फल लेके सोचत है आखिर हम करब का कवि जी के ट्रेनिंग लिखे तो भेल भैया अरे मोरे राम रानी सोचत है कि खजनवा से सुने भैया गौर करने वाली बात है रानी सोचत है कि खजनवा से बस काम ना चली अरे मंत्री पगार सो ही कैसे सिंहासना प्रमाण मिला कि राजा के छोटकी रानी से और राज के मंत्री से नजायज संबंध रहल रानी लव कहोगे आजकल कहो ओके तू कहला हमरे जनाव तो लम कह देली स्टॉप स्टॉप रानी सोच गई कि अगर हम खाए के 28 वर्ष के रही किता करब एयर मंत्री के मामला बिगड़ जाई मंत्री जी को विकेट गिर जाए तो सोचा था कि कम से कम मंत्री जी टाइट रही हां तो जब बोले हम टाइट रहब तब ले अपन आदान प्रदान होत रहे हां हां रन बनत रही रानी भिनसारा दूसर का दिनरात के टाइम सोच के देखा ये बिरहा हमारी है अमर फल लेके रानी कहिए का छंद लगा मास्टर अब है जब से भाई लगा वाला तो तुम तो भुला गई हमारे क्या चला तब किरानी लेके अमर फलवा लेनी अपने रंग महलावा दिन भर कोई गुनगुनावा आई कोई रतिया मंत्री रानी का दीवाना इसमें जरा परवाना मंत्री रानी का दीवाना का आग बुझावे खातिर चली आई निरतिया भैली भविष्य का फिकरिया या दिया धने उमरिया रानी किरिया धरवली मराइल मतिया देखे मंत्री के अमर फलवा चुमी धली मेरे गलवा भारी धोखा दी समाज में करे खतिया रानी ले जाए के भोर के टाइम मंत्री की कमरा पर गईली मंत्री जी गला का हो बड़ा थबेरमा कैसन कहली है एक दवाई लेके आ ले लाए के खाला टाइट रहबो एके खाला आजीवन तू जवानर हवा टाइटर हवा खाली हमरा सारा बाबू गईल भीतर तब मंत्रियो तोरे मति कम ना कहियो मत ते ओकर एक और ना फरिया कहियो ओही राज
मंच का नर्तकी जोने का नाम बतावल गल सुगंधा। सुगंधा इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, अरे कितना हो तोरे नी कि जब राजा के दरबार में आए दिन नाच गाना का प्रोग्राम लगे अब आवाज झलकौआ कऊ जब ना स्टोन वाली साड़ी चल रही है पहन के एक मारा है चक्का ना की मंच कर उठ जाता। अरे मौत निकल जाए कौन सुगंधा से कम नहीं है भैया। दो लाइन कवि जो कर सुंदरता का वर्णन कहने गीत वाले सुंदरता का वर्णन कहने कहने का कि चम चम बजा के अरे परे हो पाए चलिया छतिया पे बिजली गिर हो अपने घुघरू पे सबके अरे नचाओ हो या परे घुघरू देखिए हमारे लिए पुरस्कार नहीं यह आशीर्वाद है आदरणीय बिरहा जगत के कुछ कलाकार कुछ बिरहा जगत के ऐसे लोग भी हैं कि लोग महासम्राट सम्राट तमाम तमाम सुपरस्टार डांस कि छम छम बजा कर मास्टर बाप कि छतिया पे बिजली गिरावे हो अपने घुघरू पे सबके अरे अपने घुघरू पे सबके नचावे हो अपने घुघरू पे सुगंधा के प्यार में पागल मंत्री कैले का कि सुगंधा के प्यार में मंत्री जी लो भैया मंत्रिया भोर के टाइम में नर्तकी से क्या कलस कि सब कुछ लुटा दो और लुटा दो जवानिया अच्छा पिया के ये बने हो या मैं फलवान नर्तकी से मंत्रिया भागल भागल नर्तकी के घरे गई कलला भाई हमर फल लेके आले के खाला आजीवन तू जवान रहु। अरे वाह नर्तकी सोच गई कि मंत्रिया सच्चों को पागल हो गई है। अच्छा झटका में नर्तकी तो फल एक्सेप्ट कैला सुरख लगत मंत्री जी लौट के वापस है राज्य की तरफ लेकिन वही दिन राज दरबार में नाच गाना का प्रोग्राम लगल जब नाच गाना हो गया
सुगंधा नर्तकी लटकनवा बेग में हमर फल धई के आ राजा के पास पहुंचल। कल ये साहब आपसे कुछ कह के कहना काहे पैसा ना मिलल का। राजा के जो मंत्रिया हमर धर्मेंद्र भैया में कह कहना है लेकिन देना नहीं है। तो सोचने का पैसा हमसे ले लेना देहला ना पैसा पालू ना। कल पैसा पा गए साहब कुछ पर्सनल बात के नर्तकी कहल का माँ से पापड़ लगा धन दौलत रुपया पैसा बहुत कुछ हम अंक सब कुछ उहे हो आप बदे हम एक आइटम लेके आयल है। राजा चिहुक के पूछना का ले लू कलस की एक दवाई ले आयल है अमर फल ला के खा ला आजीवन अमर रहिबा। राजा एक पल तो ठगवा गे न कलई काहे हमके देत हो। रोए लगल नर्तकी कल हे राजा आपके उम्र का दुआ है आपके राज का हर लोग मांगे आखिर वही राज में तो हम हूँ जिंदगी बितावत है। हमर फलवा हम खा के का करब अंग प्रदर्शन करके पैसा कमा के परिवार जी आईला ए हमर फलवा के जरूरत आप पे है। लेकिन जब अमर फल राजा के हाथ में थमौल तो एक लाइन कभी जी की आओ लिखे पलका भैया कलय राजा लाए के खाला आजीवन अमर हो जाइबा राज ताज हमेशा आपका बनल रही। राजा के पैर तले बाबू जमीन खिसक गए हमारे बिरहा के निचोड़ भाव। राजा सोचे लगन अरे बाप रे बाप यह फल तो मैं मुझे हरिया गड़रिया दिया मैं ले जा करके अपनी रानी को दिया तो आखिर ये अमर फलवा नर्तकी के पास कैसे पहुंचल। राजा सोचे लगन मास्टर अलार्म लगा लेबा कहे राजा साफ साफ पतिया पता का सुगंधा नर्तकी सोचे थे कि ए राजा आप इतना कोठी कहे हो थोड़ा हम तैयार जब भलाई के लिए लिया के दहली कहली सुगंधा सुना सा चमर पया नवा राजा मंत्री जी भी हलन चवन कर हम से प्यार। अरे बाप रे बाप अब राजा का बुद्धि हराए गेल कि आखिर हम तो अपनी रानी के दहली के नर्तकी के मंत्री जी के पास कैसे पहुंच गए। क्रोध में लाल हो राजा कहिए का राजा दरबार अंदर मंत्री का बुलावा भैया मंत्री के बुलाए के राजा सामने राजा साहब के जब सामने पेश कई गई बताओ मंत्री आखिर अमर फल तुमको कहां से मिला। तब से मंत्री बाबा लगना बाबा सब कर हम बताइला कि मारी से भूत भागला चार्जल कहल गए मंत्री तब बताओ ना बताओ कैसे हम तो हम मंत्री साहब साथ सुनिला बचनिया राजा जिया पर
मंत्री कहने राजा हमरे पीठ पर कोड़ा मत चलावा, ई हमर फल वह दलस जे आपके छोटकी रानी है हमरे सेज का सिंगार आए दिन बनेली। अरे बाप हो बाप, राजा के ऊपर मानो कई सौ घड़ा पानी गिर गए। राजा झरझर झरझर अपने भरल प्रजा के बीच में रो तो प्रजा राजा के राज दरबार के लोग जाए के राजा के सामने खड़ा हो गए। राजा रोवा मत, घर का बात है, परिवार का बात है, घर ही में रहिए, कहीं केहू कहीं कही ना, केहू जानी ना। राजा कहलन ना, जब अपना सिक्का खोटा निकल गया ते दुनिया में हम जी के समाज में रह के हम करब का, मेरे राज का एक मेरा गणेरिया है, अमर फल पाता है तो अपने राजा को ले आकर देता है। मेरे राज की एक नर्तकी है जो अंग प्रदर्शन करके 10 रुपया कमाती है, अमर फल पाती है तो अपने राजा के पास लेके आती है। हमार धर्म पत्नी अपने 3 रानी में सबसे समझदार पढ़ा लिखकर विद्वान समझ लिए के हम ले जाके रानी के धाली, और रानी हमारे पीठ पीछे गद्दारी कर गई। और राजा रोवत हम कैसे तरी खड़ी लगा ला मास्टर, पूरे प्रजा के सामने राजा एक का बात सबसे कहलन कहलन का, अरे क्या करो पापी सवार, कहीं क्या बोला राज रंग चलाई बुहे, राजा महिपाल पापू राजा महिपाल लाबाद लगे यहाँ पैसाला सुनाई बुहे राजा महिपाल। कि केकरा पर विश्वास कई के बोला राज हम चलाई हो, राजा महिपाल अपन फैसला सुनाई हो। कलक अब मेरा 1 मिनट इस राज में रहने को दिल नहीं करता। राजा कहले का, कि प्राण से प्यारी अब अतिनर्ता की सुगंधा हरानी और मंत्री करनी बाटी गंगा, राजा महिपाल अपन फैसला सुनाई हो राजा। ए बाबू सोच ले, राजा अच्छे काम कैला, जिंदगी का अपने आखिरी फैसला ले छोड़ा जा अपने दरबार में कैला का, भगवान शंकर जी दर्शन देत हूँ। इस जिंदगी रह के का करी, सरगी गुजरी लेके जब जंगल के तरफ राजा जाए लगलन, हरिया गणेरिया जाए के आगे से पैर छान ललत कल के, ए राजा आपके कहीं गैला के जरूरत नहीं खे, ऐसे कि ये अपजस हमके लग जाए कि अमर फल लिया के न देहले न तनी बड़ा बवाल भयल हो। दूसरी बात, अगर आप चल जाइबा ए राजा ए राज का हुई, राजा फैसला लेना अपने प्रजा लोगों से कहना कि आज के बाद यह हरिया कोई साधारण हरिया के नाम से नहीं जाना जाएगा, यह राजा महिपाल का, राजा महिपाल के धर्म का बेटा हरिपाल, राजा हरिपाल के नाम से जाना जाएगा आज के बाद। यह फैसला राजा कहना जब
हरिया कल राजा भी आप तो जाता हवा राजा हमके बना के जाता हवा धर्म के तीन गो मताई जने एक जने जेल चल गई दू जने है तो मतारी बेटा एक साथे सिंहासन बना बैठी हूँ कल कर मतलब तो ब्याह कर गए कल ब्याह के शौक ना राजा मर्यादा सिंहासन कह राजा कहल की लड़की हमको खोजे के ना बगलिए में नर्तकी खड़ा है स्टोन वाली साड़ी पहन अरे दिया दिया कहलो कि आओ ब्याह करबो कहलो ब्याह तरा जाए से कहले लेकिन को ना तो सोना ठीक होत ना ए भेड़ियावा कमरा रात भर फसला कहलो रे मखमल के सेज पे सुते के तू ब्याह त करू हां ओढ़ा कमरा खोजटना होई आ जब राजा ब्याह कराए के हरिया हरिपाल के दरबार से निकले लगन त एक बार अपने हरिया के तरफ घूम के तकला आ घूम के तकला त एगो बात इतनी दिन चौथका पन तक राज कैली लेकिन कभी ज्ञान के बात हमके मिलल ना राजा घूम के आ जाए कोई हरिया गड़ेरिया के लगे खड़ा होके कहल कहल किसी का कभिया गुरु हमारे जख्मी गावे जानी के रोशनिया